हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज फास्ट लेन पीपीवी खत्म हो चुका है, जिसके बाद WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स सामने आ रही हैं, उन सभी अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं अगर आपने फास्ट लेन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहीं आपको फास्ट लेन पीपीवी पसंद आया हो या ना आया हो, बट आप 10 मार्च 2019 की डेट जरूर याद रखेंगे। वो आप क्यों रखेंगे, अपडेट्स में आपको पता चल ही जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। फर्स्ट अपडेट जुड़ी है फॉर्मर रॉ जनरल मैनेजर कर्ट एंगल से। जैसा कि कर्ट एंगल को लेकर पिछले कुछ टाइम से अपडेट्स आ रही हैं कि वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि काफी हद तक को कंफर्म है कि कर्ट एंगल जल्द से जल्द रिटायरमेंट ले सकते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि कर्ट एंगल WWE से रिटायरमेंट बिना मैच लड़े ले लेंगे, मतलब कि उनको रिटायरमेंट मैच नहीं मिलेगा रसलमीनिया 35 में। हालांकि ये अभी बस दावे हैं। कर्ट एंगल का WWE करियर काफी शानदार रहा है, उन्होंने काफी बड़े बड़े मैचेस भी दिए अपने इस करियर में और अच्छी फ्यूड भी दी हैं। अब देखते हैं कि वो अपना रिटायरमेंट मैच किस सुपरस्टार के खिलाफ लड़ पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है आज फास्ट लेन में हुए एक बड़े हील टर्न से। जैसा कि आज हमें उसोस वर्सेस मिज शेन मैकमैन के बीच मैच दिखाई दिया था, जहां मिज शेन मैकमैन की हार हुई और उसके बाद शेन मैकमैन ने मिज पर बुरी तरह से अटैक करा और मिज के फादर का मुंह भी पकड़ा था। ऐसा होने के बारे में मैंने काफी पहले बता दिया था और ये भी बताया था कि मिज के फादर इनकी फ्यूड में शामिल होंगे और प्रीव्यू वीडियो में भी मैंने ऐसा कुछ होने का जिक्र भी करा था। वहीं आपके मन में सवाल होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप सभी को बता दूं, ऐसा होने की उम्मीद क्राउन जूल में ही हो गई थी जब मिज की जगह शेन मैकमैन ने वर्ल्ड कप मैच में ले ली थी। इसके बाद यही दोनों साथ आए थे और मिज ने दावा करा था कि वर्ल्ड कप हम दोनों का ही है, जिसके बाद शेन मैकमैन कहीं ना कहीं मिज से परेशान थे। वहीं सबसे बड़ी वजह तो दिख रही है वो ये कि WWE को रसलमीनिया 35 के लिए शेन मैकमैन को बुक करना था और इससे बढ़िया बुकिंग मिज और शेन मैकमैन के लिए नहीं हो सकती थी। रसलमीनिया 35 के लिए मैच तैयार करने के लिए इनके बीच ऐसा हुआ है, इस बार हील टर्न शेन मैकमैन का हुआ है। उम्मीद है कि इनके बीच अच्छी फ्यूड दिखने को मिलने वाली है और मैच भी रसलमीनिया 35 में धांसू होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है शील्ड से और उनके फैंस के लिए। जैसा कि आज फास्ट लेन के मेन इवेंट में हमें शील्ड का मैच बैरन कॉर्बिन, ड्रू मैकेंटायर और बॉबी लेशले के खिलाफ हुआ, जहां शील्ड एक बार फिर साथ दिखी और इस मैच में शील्ड ने अपने अपोनेंट्स को मात दे डाली। वहीं आप सभी को बता दूं, फास्ट लेन की वीडियो में आप सभी ने काफी कमेंट करे कि भाई ये शील्ड का लास्ट मैच था क्या, प्लीज बताओ। तो आप सभी को बता दूं, जी हां, ये शील्ड का लास्ट मैच था किसी पीपीवी में। इसके बाद अब शील्ड किसी पीपीवी में मैच लड़ती हुई नहीं दिखाई देगी। शील्ड का ये लास्ट पीपीवी था, बट शील्ड आपको अप्रैल 2019 के लास्ट तक रॉ पर मैच लड़ती हुई दिख सकती है। आज के मैच में जिस तरह से कमेंट्रेटर बार बार इस बात को बोल रहे थे कि ये शील्ड का लास्ट मैच है किसी पीपीवी में, वहीं आपने अगर गौर करा हो तो जब शील्ड बैरन कॉर्बिन को पावर बम देने वाली थी, उससे पहले सेथ रॉलिंस भी बोल रहे थे वन लास्ट टाइम। उससे ये साफ है कि डीन एम्ब्रोस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ आगे नहीं बढ़ाया है और डीन एम्ब्रोस WWE छोड़ रहे हैं। 10 मार्च 2019 की डेट आपको हमेशा याद रहेगी, इसी दिन शील्ड के इरा का एंड ही हुआ है। रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस ने आज लास्ट मैच खेला है किसी पीपीवी में। आज हुए मैच के लास्ट में जिस तरह से इन तीनों ने एक दूसरे को हक करा, उससे भी काफी चीजें साफ हुई हैं। ये तीनों काफी इमोशनल थे और वहां बैठे फैंस भी काफी इमोशनल थे। शील्ड ने साल 2012 में WWE में डेब्यू करा था और ये तीनों सुपरस्टार ही फैंस के फेवरेट रहे हैं। अब शील्ड को लेकर WWE के पास आगे क्या है वो देखना होगा। डीन एम्ब्रोस अब जा रहे हैं, आई थिंक इसी वजह से WWE ने शील्ड को बना के उनका मैच इस पीपीवी में करवाया है, शायद इसी वजह से शील्ड काफी जल्दी बन गई है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स और शील्ड से जुड़ी बड़ी अपडेट। आई होप आपको पसंद आई होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर ट्रिपल पावर बम मारकर चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से थैंक यू।